हेलो माय डियर किड्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ SOF नेशनल शाइवर ओलंपियाड 21-22 के लिए सैम्पल पेपर। किस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं 21-22 में क्लास सेकंड के लिए, हम देखेंगे। लॉजिकल रीजनिंग, इसमें ईच क्वेश्चन इन अचीवर सेक्शन कैरिज 2 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स रहते हैं और इनमें लॉजिकल रीजनिंग, कंप्यूटराइज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड अचीवर सेक्शन, 3 सेक्शंस रहते हैं। 3 सेक्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेलेक्ट द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए हॉकी, बी फुटबॉल, सी बैडमिंटन एंड डी आइसक्रीम। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी आइसक्रीम। ऑल आर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ए बी सी ऑल्स आर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ सेम रूल इज फॉलो इन ऑल द 3 फिगर्स। ये हम 3 फिगर्स देख रहे हैं, 12 प्लस 15 27, 32 प्लस 13 45, 43 प्लस 9 क्वेश्चंस मार्क। ये क्वेश्चन मार्क्स में हमें क्या लिखना है, इन दोनों के रूल को फॉलो करते हुए हमें तीसरे में भी वही रूल फॉलो करना है। तो हम देखते हैं 12 प्लस 15 इजकल टू 27। नेक्स्ट हमारा ये हो जाता है 32 प्लस 13 इजकल टू 45। तो हम देख रहे हैं ऊपर के 2 नंबर्स को प्लस करके नीचे हमें प्राप्त हो रहा है। सो 43 प्लस 9 इजकल टू 9 3 12 और 1 कैरी ऑन 4 1 5 4 52। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 52। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बोट इज सेकेंड टू द राइट ऑफ 4th बोट फ्रॉम द लेफ्ट एंड। हमें देखना है, ये राइट साइड है, लेफ्ट साइड से 4th पोजीशन पे जो बोट है उससे राइट साइड 2nd बोट कौन सा होगा। हम देखते हैं लेफ्ट साइड 1 2 3 4th, 4th पोजीशन पर ऐसा आ जा रहा है, इससे राइट 2nd पोजीशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 ये 2nd पोजीशन आ जा रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन यू। यू हमारा ऑप्शन बी में आ रहा है। सो करेक्ट आंसर इज यू। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स गिवन फिगर इज एग्जैक्टली एम्बेडेड एज वन ऑफ इट्स पार्ट। ये पार्ट जो है एग्जैक्टली किस में पूरी तरह से एम्बेडेड हो जाएगा। तो ये जो है इस प्रकार का फिगर है, ये इसमें एम्बेडेड हो जाएगा, क्वेश्चन ऑप्शन सी में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, हु इज़ द हैवीएस्ट। हम देख रहे हैं करण एंड तरुण दोनों इक्वल पार्ट्स हैं, दोनों का बैलेंस समान है, यानी दोनों सेम हैं। नेक्स्ट तरुण एंड पुनीत, जो समान या जो बच्चे हल्के होते हैं वो ऊपर की तरफ उठ गए, तो हमारा भारी कौन सा हो गया, पुनीत एंड तरुण में हैवीएस्ट तरुण हो गया। फिर हम देखेंगे सुमित एंड करण, तो करण सबसे ऊपर जा रहा है तो सुमित इससे हैवीएस्ट हो रहा है। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी सुमित। सुमित जो है सबसे हैवीएस्ट है, सबसे भारी है। क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑप्शन ए मिक्सर ग्राइंडर, बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, सी वॉशिंग मशीन एंड डी ऑल ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। मिक्सर ग्राइंडर, डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड वॉशिंग मशीन ऑल आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दे ऑल नीड इलेक्ट्रिसिटी टू रन। क्वेश्चन नंबर 7, आयन वांट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर ऑन डेस्कटॉप, विच इज फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर टू स्टेप टू क्रिएट अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप इन विंडोज 7। आयन डेस्कटॉप पर न्यू फोल्डर क्रिएट करना चाहता है और वो विंडोज 7 पर करेक्ट स्टेप कौन सा फॉलो करेगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। सबसे पहले राइट क्लिक ऑन द डेस्कटॉप,
देन अ शॉर्ट मेनू इन डिस्प्ले, क्लिक ऑन न्यू, क्लिक ऑन फोल्डर एंड लास्ट टाइप द नेम ऑफ द फोल्डर एंड हिट इंटर की. क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिवाइस. इसमें से डिवाइस को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है. विदाउट दिस डिवाइस यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी थिंग्स ऑन कंप्यूटर्स. इस डिवाइस के बिना कंप्यूटर पर हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं. इट इज़ नोन एज माइक्रो प्रोसेसर, और इसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दिस इज माइक्रो प्रोसेसर. क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द एरिया वेयर कंप्यूटर इज यूज टू. कंप्यूटर का वहाँ पर यूज किया जाता है, वह जगह को आइडेंटिफाई करना है. मेंटेन द प्लेयर्स रिकॉर्ड, प्लेयर्स के रिकॉर्ड रखे जाते हैं. एंड रिकॉर्ड द मैच एक्टिविटी, एंड मैच एक्टिविटीज़ के रिकॉर्ड रखे जाते हैं. ऑप्शन ए हॉस्पिटल, बी बैंक, सी गार्डनिंग एंड डी स्पोर्ट्स. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स में प्लेयर के रिकॉर्ड्स मेंटेन किए जाते हैं एंड मैच एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड रखा जाता है. एंड इन हॉस्पिटल कंप्यूटर्स आर यूज टू रिकॉर्ड पेशेंट डाटा. एंड बैंक, इन बैंक कंप्यूटर आर यूज टू रिकॉर्ड कस्टमर डाटा एंड प्रिंट पासबुक. क्वेश्चन नंबर 10, इट इज़ द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर. ऑल मेजर एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर आर कोऑर्डिनेट बाय दिस पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, आइडेंटिफाई इट. यह एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर के सारे मेजर एक्टिविटी को कोऑर्डिनेट, कंप्यूटर के सारे पार्ट को कोऑर्डिनेट कराया जाता है. तो हमें ये कौन सा पार्ट है कंप्यूटर का, इसको आइडेंटिफाई करना है. ऑप्शन ए CPU, बी माउस, सी हेडफोन एंड डी स्कैनर. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए CPU. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेन प्रोसेसर यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर डज ऑल मेजर एक्टिविटी ऑफ द कंप्यूटर्स. क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक फीचर ऑफ अ कंप्यूटर. इनमें से कंप्यूटर का बेसिक फीचर कौन सा है. ए इट कैन थिंक, बी इट कैन वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, सी इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डी इट कैन मेक इट ओन डिसीजन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इज द बेसिक फीचर ऑफ अ कंप्यूटर. क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज योर स्क्रीन सेवर. स्क्रीन सेवर क्या होता है. ऑप्शन ए इट इज अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले मूविंग पिक्चर व्हेन यू हैव नॉट टच कीबोर्ड और माउस फॉर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. यह एक प्रोग्राम होता है जो पिक्चर्स मूव करते हुए डिस्प्ले होता है जिस समय आप एक सर्टेन पीरियड के लिए कीबोर्ड और माउस को टच नहीं करते हैं, तब भी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर मूव होता रहता है. बी इट इज़ एन आइकॉन डैट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप, सी इट इज़ द फर्स्ट स्क्रीन डैट अपीयर व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर एंड डी बोथ ए एंड बी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज़ अ प्रोग्राम डैट डिस्प्ले मूविंग पिक्चर्स व्हेन यू हैव नॉट टच कीबोर्ड और माउस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. क्वेश्चन नंबर 13, इन स्पेस एजेंसी कंप्यूटर्स आर यूज फॉर. ऑप्शन ए मेंटेनिंग कैश रिकॉर्ड, बी लॉन्चिंग रॉकेट, सी प्लेइंग गेम्स एंड डी बाइंग टिकट्स. करेक्ट आंसर इज लॉन्चिंग रॉकेट्स. स्पेस एजेंसी कंप्यूटर्स का यूज जनरली रॉकेट्स को लॉन्च करने के लिए करती है. क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोर्टेबल कंप्यूटर्स आर हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड. इस गिवन वर्ड ग्रिड में पोर्टेबल कंप्यूटर्स के नाम छुपे हुए हैं, कितने नाम हैं ये हमें फाइंड करके बताना है. नंबर 1, दिस इज लैपटॉप एंड 2, दिस इज डेस्कटॉप. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ओनली 2. क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द की बाय द गिवन डिस्क्रिप्शन. इस की के आधार पर हमें
डिस्क्रिप्शन को पहचानना है। एक्स इट इज़ यूज टू ओपन स्टार्ट मेनू ऑन द कंप्यूटर। एक्स की सहायता से हम स्टार्ट मेनू पर जाकर कंप्यूटर को ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड वाई इट इज़ यूज टू कैंसल अ प्रोसेस रनिंग ऑन द कंप्यूटर। इस की मदद से हम कंप्यूटर पे कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसे हम कैंसिल कर सकते हैं। ऑप्शन ए स्टार्ट बटन एंड एस्केप की, ऑप्शन बी कैप्स लॉक एंड शिफ्ट की, ऑप्शन सी एंटर की एंड अल्ट की, एंड डी एस्केप की एंड कैप्स लॉक की। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए स्टार्ट बटन एंड एस्केप की। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट कंप्यूटर्स आर यूज इन हॉस्पिटल। इनमें से कौन से ऑप्शन कंप्यूटर हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं। ए दे आर यूज फॉर मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट, पेशेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए। टू दे कैन बी यूज ए डायग्नोस्टिक डिजीज इन पेशेंट, पेशेंट के डिजीज को पहचानने के लिए। एंड थ्री दे हेल्प द डॉक्टर्स इन परफॉर्मिंग ऑपरेशन, डॉक्टर्स को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मदद करता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। ये तीनों ऑप्शन जो है हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर्स के द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ गिवन डिवाइस। इनमें से कौन सा टास्क इस डिवाइस से किया जाता है। दिस इज माउस, ऑप्शन ए सेलेक्टिंग एन आइटम ऑन डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर आइटम को सेलेक्ट किया जाता है। बी ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग आइटम, आइटम को ड्रैग एंड ड्रॉप किया जाता है। सी ओपनिंग एन आइटम ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर से किसी भी आइटम को ओपन करना। एंड डी ऑल ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18, द गिवन सीक्वेंस ऑफ इमेज रिप्रेजेंट्स ए एंड एन, एयर साइकिल, आईपीयू साइकिल, आईओपी साइकिल या पीएमओ साइकिल। दिस इज ऑप्शन बी आईपीयू साइकिल। दिस इज इनपुट, इसमें हम वाटर रखे हैं। एंड बी फ्रिज में प्रोसेसिंग हो रहा है। सो दिस इज प्रोसेस। एंड डी आउटपुट, आउटपुट में पानी से ये आइस बन गया है। सो हमारा हो गया इनपुट प्रोसेस आउटपुट, तो आईपीओ साइकिल ये फुल फॉर्म इसके हो गए। एट शॉपिंग मॉल एंड स्टोर्स कंप्यूटर आर कॉमनली यूज्ड फॉर। शॉपिंग मॉल्स एंड स्टोर्स पर कंप्यूटर का कॉमनली क्या यूज़ होता है। ए ड्राइंग पिक्चर्स, बी बिलिंग, सी वॉचिंग मूवी एंड डी प्लेइंग गेम्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिलिंग। शॉपिंग मॉल एंड स्टोर पर जनरली कंप्यूटर्स के द्वारा बिल निकाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन नॉट बी डन विद द हेल्प ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स। इनमें से कौन सा पार्ट टास्क जो है इसके मदद के बिना कंप्यूटर पर नहीं किया जा सकता। इट इज़ यूज टू लिसन म्यूजिक, बी इट इज़ यूज टू रिकॉर्ड वॉइस, सी इट इज़ यूज टू प्ले गेम्स एंड डी बोथ ए एंड बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए एंड बी। इसके बिना हम म्यूजिक नहीं सुन सकते हैं एंड वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो पर आप अवश्य देखें कि नेक्स्ट सैम्पल पेपर किस प्रकार के आएंगे जो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवाएंगे। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।